इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तैराकी में कायम किया और इन्होंने चुनौतीपूर्ण मौसम में हवाओं और बाधाओं के खिलाफ 5 घंटे में पेरिस का फ्रांस से इटली तक बोनिफेसियो चैनल को सफलतापूर्वक 6 जून 2020 को इन्होंने पूरा कवर किया। ऐसी विश्वविख्यात उपलब्धि हासिल करने वाली है पूरी दुनिया में 6 जून 2022 को ऐसी विश्वविख्यात उपलब्धि हासिल करने वाली यह पूरी दुनिया में पहली तैराकीता पुत्र जोड़ी है। आज हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एवं यमुना युवक केंद्र, जो यमुना युवक केंद्र है बच्चों को निशुल्क शारीरिक शिक्षा उपलब्ध कराती है 1967 से, और इसके जो संचालक थे वो भी विश्व चैंपियन थे। उन्होंने 11,011 दंड लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। वो संस्था लगातार तैराकी, कुश्ती, भारतोलन, इस प्रकार की निशुल्क शिक्षा मॉर्निंग में और इवनिंग में यमुना घाट नंबर 2 पर निरंतर देती चली आ रही। हमारे तैराक विश्व के कोने कोने में प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं और कई भारत के श्री पहलवान भी बने हमारे यहाँ से। आजकल अजय यादव उनके जो बेटे हैं, अजय जी आइए इधर। जिन्होंने बहुत बेमिसाल, इसके मिसाल नहीं मिलने के लिए भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है और बड़े गर्व की बात है। जो तैराकी बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी तादाद है भारत में जो तैराकी का जो स्पोर्ट्स है उसमें लगे हुए हैं, उसमें उनका हुनर भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन हुनर के साथ साथ उस मंदिर को पाना और कीर्तिमान स्थापित करना बिना किसी सरकारी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के, ये जो जुनून है उस जुनून को उन्होंने उनमें जुनून था, फिर उनका जुनून को के पुत्र ने अपनाया और ये जुनून जो है आज एक कीर्तिमान में बदला। मुझे बड़ी खुशी है कि जो भारत में जो नशा होता है खेलों का और क्रिकेट और बाकी चीज़ें, तो तैराकी में हम लोग जब दुनिया के जो बड़े बड़े खेल देखते हैं तो पता लगा कि तैराकी में भारत का नाम ही नहीं होता, बहुत पीछे होता है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये जो शुरुआत हुई है, शुरुआत से तैराकी के क्षेत्र में और दुनिया में जो भी लोग भारत के इन दोनों तैराकों का नाम उन्होंने सुना होगा और जाना होगा, तो भारत के बारे में और ये नई तस्वीर उनके दिमाग में आई होगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे जो अब मैं अपने नवीन तकरीबन 10 साल की उम्र जब शुरू किया था तैराकी करना, बड़ी छोटी एज में नेशनल चैंपियन बन गए 12 साल की उम्र में, 13 की उम्र में एशियन जूनियर्स में गोल्ड आ गया, 14 साल की उम्र में नेशनल टीम में आ गए एशियन गेम्स के लिए, और बस वहीं से फिर सारा शुरू हुआ। तकरीबन 18 बार नेशनल चैंपियन बने, सैफ गेम्स में मैं गोल्ड किया, नेशनल चैंपियन बने, एशियन गेम में गोल्ड किया जूनियर्स में, फिर एक हादसा हुआ जिसमें पैर में बहुत चोट आई, एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ दिन ब्रेक लिया और फिर अमेरिका चला गया। वहाँ जाके कुछ साल स्पोर्ट्स का ही काम कर रहे थे, फिर अचानक ठीक हुआ पैर, लगा कि फिर से शुरू करते, फिर से शुरू किया, वापस राष्ट्रीय टीम में पहुँचे, एशिया पैसिफिक में गए, वहाँ मेडल लिए, फिर चले गए वापस और फिर से नेशनल चैम्पियन बने, फिर मास्टर्स हो गए थे तो मास्टर्स नेशनल में गोल्ड लिया, एशिया पैसिफिक में हिंदुस्तान के पहले स्विमर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया।
पैन पैसिफिक गेम्स जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, हिंदुस्तान में उससे पहला स्विमर उसने कभी मेडल लिया हुआ है। यूरोपियन चैंपियनशिप में फर्स्ट इंडियन एवर विन मेडल, और उसके बाद अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड। जर्नी इज बीन प्रीटी लॉन्ग, 40 इयर्स नाउ। माय सन अर्जुन जो जो खुद सीखा था बड़ों से, वो सभी कोशिश कर रहा हूँ उनको सिखाने की। एंड इज ब्रेव इनफ, बी फ्रेंकली ब्रेव इनफ कि 16 साल की उम्र में ही नेवर स्टॉप लाइफ। आपको कहने को कह सकते हैं कि समुद्र में तैरे, एक सिर्फ वर्ड है समुद्र, बट वंस यू आर इन इट, जब आप वहाँ होते हो आप शुरू करते हो और तकरीबन 5-6 किलोमीटर पानी में अंदर चले जाते हो तो सब दिखना बंद होता है, ना वो किनारा कुछ नहीं, सिर्फ पानी। और जब आप नीचे देखते हो तो सब कुछ दिखता है जो मरीन लाइफ होती है नीचे। सो इट्स कमेंडेबल कि ही नेवर स्टॉप्ड, नेवर गेट स्केयर्ड, समटाइम्स द वाटर वाज गेटिंग।